गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम ए वर्ण हिंदी नोटबुक में लिखना सीखेंगे। बच्चों, आप लीजिए हिंदी की नोटबुक और उसमें आपकी मम्मी या पापा को इस तरह से हेडिंग डालने बोल दीजिए। ए वर्ण लिखो, इस तरह से ए वर्ण। ए वर्ण लिखने से पहले हम ए वर्ण का एक बार रिकैप कर लेंगे हमारी आधारिका बुक में। सी दिस, ये है ए, ए इसे बोलते हैं ए, हिंदी का वर्ण है ए। ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक तारा। ए वर्ण पे एक बार ट्रेसिंग कर लेंगे हम। पॉइंटर फिंगर लीजिए, हमने बनाए स्टैंडिंग लाइन, हमने बनाए स्लांट लाइन और इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। अगेन इसी के ऑपोजिट हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन और इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। हमने बनाई स्लीपिंग लाइन, ए ए। अब हम ए को नोटबुक में किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। यह है हमारी हिंदी की नोटबुक। हमें ए वर्ण लिखना है ब्लू लाइन से ब्लू लाइन। हमारी नोटबुक में रेड टू रेड है 5 लाइन्स, पर हमें लिखना है ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन में। सो लेट स्टार्ट। पहले ये ब्लू लाइन से ये ब्लू लाइन तक हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक स्लांट लाइन करेंगे इस तरह से। इसी के ऑपोजिट हम वापस से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, और इस लाइन को हम अंदर की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे। हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा वर्ण ए, ए। जब आप स्लांट लाइन करोगे तो थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दीजिए। अगेन हमने बनाए स्टैंडिंग लाइन, हमने बनाए स्लांट लाइन, स्लांट लाइन को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देंगे। फिर इसी के ऑपोजिट हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी, उसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, ए, ए से एड़ी, ए, ए से एक। अगेन हम फिर से देखेंगे ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन एक स्टैंडिंग लाइन बनाया हमने। नीचे की बीच वाली ब्लू लाइन से लास्ट वाली ब्लू लाइन तक हमने एक स्लांट लाइन बनाया, उसे थोड़ा सा टर्न कर दिया इस तरह से। हमने इसी के ऑपोजिट एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसको हमने अंदर की तरफ टर्न कर दिया। हमने बनाया एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से। बच्चों, आपको भी ए वर्ण आपकी नोटबुक में ये दो पेज लिखना है। This is your homework. Okay, children. Bye.